हिस्सेदारी का मौका एक और स्टॉक दे रहा है और वो देगा भी, और जिसका जिक्र आमतौर पर कम करते हैं। और सबसे बढ़िया बात कि अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये स्टॉक अच्छे लेवल पर है, और वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि चाइना में कोई भी डेवलपमेंट अगर इकोनॉमी के रिलेटेड आते हुए दिखते हैं तो या तो मेटल शेयर या फिर चाइना में जिन कंपनियों का कारोबार ज़्यादा है तो JLR जो चाइना में बिकती है, टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है। और स्टॉक अच्छे लेवल पर आ चुका है, काफ़ी बढ़िया लेवल पर, जहाँ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स के लिए तो हो सकता है 5-15 रुपये ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए और स्पेशली जो प्रॉफिट वार्निंग आई थी उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया था, फिर मैनेजमेंट ने कौन कॉल किया उसके बाद किसी ने टारगेट्स ज़्यादा घटाए नहीं, सबने कहा कि ठीक है थोड़े टाइम बाद ये सारी सप्लाई जो है इनके पार्ट्स वगैरह की वो चुस्त दुरुस्त हो जाएगी और उसके बाद स्टॉक वापस वही परफॉर्मेंस देगा, कंपनी वही परफॉर्मेंस देगी जिसके लिए जानी मानी जाती है। टाटा मोटर्स इस लेवल पर क्या एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है? टाटा मोटर्स ये जरा चार्ट देखिए, सुमित जी बहुत देर से आपसे बातचीत नहीं हुई, जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए टाटा मोटर्स खरीदना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए? अरे जी बिल्कुल खरीदना चाहिए, लास्ट दोनों दिनों में टाटा मोटर्स डिस्कस किया है, 300-310 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है, जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक और गिरावट नहीं आएगी, तो यहाँ पे बिल्कुल एक्युमुलेट किया जा सकता है, बाइंग बनता है। तेजी कब बनेगी इसके अंदर? जब स्टॉक एक बार ऊपर में 320 का लेवल तोड़ देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो टाटा मोटर के अंदर वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा और फिर ऊपर से ऊपर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसमें 340 से 350 तक का मूव जहां से इसने फॉल स्टार्ट किया था वो वापस पूरा का पूरा मूव तेजी की तरफ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करें, होल्ड करें और 320 का ब्रेकआउट आने पे फ्रेश खरीदारी और की जा सकती है 340 से 350 के टारगेट के लिए खरीदारी, और ये स्टॉक दौड़ लगाने को तैयार है। देखिए हमारे दर्शक भी इतने जागरूक और समझदार और एकदम अपडेटेड है, मुझे अभी भी एक मैसेज भी आया हमारे एक दर्शक की तरफ से, 3 साल पहले जिंदल स्टेनलेस हमारा 38 रुपये में रिकमेंड किया हुआ था, 38 रुपये का स्टॉक आज देखिए जिंदल स्टेनलेस ये लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स मुझे याद है दिवाली पर पिछले साल, ये वाली नहीं इसके पहले वाली दिवाली पर 115-120 रुपये की रेंज में हमने रिकमेंड किया था कि ये स्टॉक अब इस दिवाली पर पिक है। देखिए ठीक है बीच बीच में कभी कभार ऐसे झटके लगते हैं 8-10% और तभी ये बेहतरीन स्टॉक है जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए, निश्चिंत होकर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप खरीदारी करें, नीचे आए 10% तो और ऐड करें, सिंपल ये फॉर्मूला रखें। अच्छा ऑटो कंपनियां भी थोड़ी सी अपनी जान में जान डाल रही है, टाटा मोटर्स जिसकी काफी धुलाई हुई थी इसी हफ्ते 306 के लेवल्स पर वापस लौटता हुआ यहां पर खरीदारी जोर पकड़ रही है, साथ ही साथ अशोक लेलैंड देखिए 126 तक का स्तर इसने अपने नाम कर लिया है और करीब 2% ऊपर है ट्रेड में। तो टाटा मोटर्स के साथ साथ अशोक लेलैंड भागा, टाटा मोटर्स DVR में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटने लगा है, डिप्स पर लोगों ने की है खरीदारी। तय तौर पर शेयर जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई उसके बाद हमने देखा है रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा अकेले हम नहीं फंसेंगे, पूरा बाजार इस चिप क्राइसिस में फंसा हुआ है।